नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं निधि। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के कुचामन से है, जहां लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों की याद में सामरीय सागर गौशाला में पौधरोपण किया। अध्यक्ष लॉयन वेणुगोपाल मालपानी, संस्थापक अध्यक्ष लॉयन राम कावरा, सर्विस चेयरपर्सन लॉयन प्रहलाद राकावत, लॉयन मुरलीधर गोयल ने गौशाला पहुंचकर गौशाला उपाध्यक्ष रामूराम कुमावत एवं ऑल इंडिया पारिक महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज जोशी के सानिध्य में पौधरोपण कर शहीदों की शहादत को नमन किया। रामूराम कुमावत ने इस नेक कार्य के लिए क्लब का आभार व्यक्त किया। मनोज जोशी ने कहा कि लॉयन क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा आज जो पौधे लगाए गए हैं उनसे पर्यावरण संरक्षण के साथ निश्चित रूप से आमजन को औषधीय का लाभ भी मिलेगा। लॉयन वेणुगोपाल मालपानी ने बताया, धार्मिक महत्व एवं औषधीय गुणों से भरपूर कदम, अशोक, अर्जुन, बेलपत्र, बड़ आदि के पौधे लगाए गए। लॉयन राम कावरा ने बताया, मां धरती के वीर सपूतों की याद में लगाए गए पौधे की सुरक्षा हेतु तिरंगे के रंग की ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं, जिसे देखकर लोगों को राष्ट्रीयता की भावना की एक अलग ही अनुभूति होगी एवं सुकून भी मिलेगा। रवि शाश्वत एवं सुरेश मोर ने लगाए गए पौधे की देखरेख की जिम्मेदारी ली। कुचामन से प्रमोद गोड की विशेष रिपोर्ट।